नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सबका अपने मैथ्स चैनल DRS मैथ्स पर स्वागत करता हूँ। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एज यानी कि आयु संबंधी प्रश्न, ये उसका तीसरा लेक्चर है। आज हम लोग अभी तक जो डिस्कशन कर चुके हैं उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। आज हम सिर्फ क्वेश्चन लिखेंगे और हम उसको सॉल्व करेंगे। आप देखिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उनका सॉल्यूशन किया जाता है, ठीक है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने सभी दोस्तों को शेयर भी करिएगा। वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक पूरा जरूर देखिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, अब हम आए हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन करने चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। देखिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं। हम क्वेश्चंस को हिंदी में लिख रहे हैं, इंग्लिश में बोल दे रहे हैं, तो अगर आपको इंग्लिश में नोट करना है तो नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस को बताते हैं कैसे करना है। द क्वेश्चन इज ए इज 2 years एल्डर दैन बी व्हाइल बीज एज इज डबल ऑफ द सीज एज, ठीक है। इफ द सम ऑफ एजेस ए बी एंड सी इज 27 years देन फाइंड द एज ऑफ बी इज, ठीक है। बी की आयु कितनी है आप बताइए। तो क्वेश्चन में ये दिया है ए बी से 2 साल ज्यादा है, कितना ज्यादा है +2, और बी सी का डबल है यानी कि (2). तो आप सीधा सीधा क्या करो, सबसे छोटे वाले की आयु को आपको एज को एज्यूम करना है। तो एक्स मान लो, सी अगर एक्स है तो एक्स का डबल बी होगा। क्वेश्चन में क्या दिया है, बी की जो आयु है वो सी का डबल है। तो सी अगर एक्स हुआ तो बी 2x होगा। बी का जो भी एज होगा उसमें +2 करने पर ए मिल जाएगा, यानी कि 2x में 2 अगर कर दो तो ये कौन हो गया, ए। अब इस तरह से तीनों की एज हो गई, सी हो गया x, बी हो गया 2x और ए हो गया 2x+2। यहां तक आपने कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीनों की एज का सम योगफल जो है वो 27 है। मतलब भैया अब आप ये तीनों को प्लस कर दो, यानी कि प्लस इज इक्वल टू 27। जोड़ के देखो, 2 2 4 1 5, आंसर हुआ 5x। इधर +2 है, उधर जाके -2 होगा, तो 5x इज इक्वल टू 27 माइनस 2 करेंगे 25 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5 आ गया। अब आप आंसर निकाल लो फटाफट। x इज इक्वल टू 5 मतलब c की एज 5 साल, डबल किया 5 × 10 साल, b का 2 और जोड़ दिया 12 साल। जिसका आंसर चाहिए वो लिख लो, b की आयु कितनी होगी 10 वर्ष, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि द सम ऑफ एज ऑफ द 5 चिल्ड्रंस आफ्टर एवरी हैविंग टेकन बर्थ आफ्टर एवरी 3 years इज 50 years, व्हाट इज द एज ऑफ द स्मॉलेस्ट चाइल्ड। तो आपको देखो 5 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इनके लिए हमें क्या करना है कि ये सबसे पहले, फिर ये बाद में, ये बाद में, ये बाद में, ये सबसे बाद में, इन पांचों को किसी भी ऑर्डर में, चाहे घटते क्रम में या फिर बढ़ते क्रम में, आप इनको लिख लीजिए। अब देखिए इनका लिखने का तरीका क्या हुआ कि पहला x है तो उसके बाद वाला x+3 होगा, फिर 3 जोड़ेंगे तो x+6 होगा, फिर 3 साल बाद अगला हुआ यानी कि x+9 होगा, फिर 3 साल बाद अगला हुआ यानी कि x+12 होगा, इतना हो गया। अब अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, सभी को क्या कर दूं, ऐड कर दो अगर आप, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 50, यानी कि प्लस 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 प्लस, ठीक है। ये पांचों बच्चों का एज हो गया, पांचों को ऐड करने पर 50। क्यों मैंने लिखा, हर 3 साल पे एक बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है। अगर एक का एक्स है तो अगले का x+3 x+6 x+9 x+12 ऐसे होगा, ठीक है। ये कितना हो गया 50 है, सबको जोड़ेंगे तो x x x x x, टोटल कितना हुआ 5x, ठीक। फिर अब आप जोड़ेंगे 3 6 3 9 9 9 18 18 12 30, तो +30 इज इक्वल टू 50। तो यहां से मिलेगा 5x, 30 उधर जाएगा 20, तो x बराबर 5 × 20, आंसर क्या आ गया 4। सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी होगी 4 साल, सबसे बड़े वाले की कितनी होगी 4 और 12 यानी कि 16 साल। एक ये तरीका था। इसी क्वेश्चन को अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने इस तरह से बोला है कि कभी भी अगर आपको 5 संख्याएं माननी हो तो सबसे पहले बीच वाली लिखते हैं, ठीक है, और अगर समान अंतर है तो आगे पीछे वही प्लस माइनस कर दो। 3 साल बाद x+3 होगा, 3 साल पहले x-3 होगा, फिर इसके 3 साल बाद x+6 होगा, इसके 3 साल पहले x-6 होगा। अब जब मैं सभी को जोड़ूंगा तो यहां से -6 + 6 कैंसिल होगा, -3 + 3 कैंसिल होगा, ओवरऑल हमको मिलेगा 5x इज इक्वल टू 50। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना 5 10 x इज इक्वल टू 10 आ गया। x यानी बीच वाला 10 साल है,
तीन साल पहले जाएंगे 7 साल और तीन साल पहले जाएंगे 4 साल, आगे जाएंगे 13 साल, आगे जाएंगे 16 साल, तो ये सभी बच्चों की एज हो गई। तो बीच सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी है? 4 वर्ष। ठीक है, ये दोनों ही तरह से आप कर सकते हैं। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन है कि ए इज एज स्मॉल फ्रॉम बी इज एज बी ए इज ग्रेटर देन सी, मतलब ये कि ए बी से उतना ही छोटा है, बी से क्या है छोटा है, मतलब बी और ए का जो डिफरेंस है, अंतर है, यानी कि बी माइनस ए, ये अंतर उतना ही है जितना वह सी से बड़ा है। दैट इज कि ए सी से कितना ज़्यादा होगा, यानी कि ए माइनस सी, ए और सी का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो बी और ए का जो डिफरेंस है, उन दोनों की वैल्यू क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक, वो बोल रहा है कि इफ सम ऑफ एज ऑफ बी एंड सी इज 50 years, देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ बी एंड एज। ठीक है, बी और ए की एज का डिफरेंस क्या होगा? तो आप देखो यहां से फर्स्ट लाइन से हमको क्या मिला कि ए और बी की आयु का अंतर, यानी कि बी माइनस ए, वही है जो सी ए माइनस सी है। अब आप यहां से क्या करो, सी ए को इधर और सी को इधर लाओ, तो बी माइनस सी इधर आया तो प्लस सी, ए माइनस ए उधर गया तो प्लस ए, तो बी प्लस सी, बी और सी की एज का सम 50 है, यानी कि 50 इज इक्वल टू 2a, तो a इज इक्वल टू 25, यानी a की जो आयु है वो कितनी है, 25 वर्ष। a की आयु कितनी है, 25 वर्ष। आपसे पूछा है b माइनस a, अब आपको b माइनस a बताना, लेकिन b की एज तो हमें मालूम नहीं। अगर मेरे को c की भी एज पता होती तो भी हम निकाल सकते थे, तो हमको b या फिर c दोनों में से किसी एक की एज का हमें पता होना जरूरी है। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी नहीं मालूम है तो हम ए की एज तो निकाल लिए, लेकिन उनका डिफरेंस बी या फिर सी का एज नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में कुछ ऑप्शंस आपको दिए होते हैं, जैसे ऑप्शन आपको ये दिया होगा, पहला 1 साल 1 ईयर, दूसरा 2 ईयर्स, तीसरा 25 ईयर्स, ये ऑप्शन है, या फिर चौथा ऑप्शन है कि आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंकड़े अपर्याप्त हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा कि वैल्यूज आर इनसफिशियंट, हमको उतनी मान नहीं दिया हुआ है कि हम बी या फिर सी का मान निकाल सकें। क्यों? ए का मान निकल गया, अब अगर मुझे बी माइनस ए निकालना है तो बी की वैल्यू का पता होना जरूरी है, या फिर अगर मुझे सी की वैल्यू पता होता तो ए और सी का जितना डिफरेंस आता वही डिफरेंस बी और ए में था, तो ए में मैं उतना ऐड कर देता तो मेरे को बी मिल जाता, लेकिन हमें नहीं मालूम है, इस वजह से हम क्या कर सकते हैं कि इसका मान नहीं निकाल सकते। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास डेटा इनसफिशियंट है, इस वजह से। जैसे ये क्वेश्चन है, अ फादर टोल्ड हिज सन एट द टाइम ऑफ योर बर्थ माई एज वॉज 5 years more than your present age. If the present age of father is 39 years, then find the age of son 5 years ago. What it means? Question में क्या कह रहा है? एक father अपने बेटे से बोल रहा है कि बेटा present में जो तुम आज की जो तुम्हारी उम्र है, यानी मान लीजिए लड़के की एज वर्तमान में कितनी है, past and present, father and son, पिता पुत्र, और ये भूतकाल यानी पीछे में, और ये प्रेजेंट में, ये बोल रहा है प्रेजेंट में दोनों बात कर रहे हैं, तो फादर सन से बोल रहा है कि बेटा आज की जो तुम्हारी एज है, सपोज इसकी एज कितनी है एक्स, तो जिस समय तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी एज तुम्हारी प्रेजेंट एज से 5 साल ज़्यादा थी, यानी कि पिता की एज उस टाइम पर कितनी थी, एक्स प्लस 5, प्रेजेंट एज बच्चे की क्या है, एक्स, तो एक्स अगर वर्तमान उम्र एक्स साल है तो बच्चा पैदा कब हुआ रहा होगा, x वर्ष पहले, x साल पहले पैदा हुआ होगा, तो x साल पहले पिताजी की जो एज थी वो x प्लस 5 थी, तो आज की अगर फादर की एज हमें निकालना हो तो उसमें x जोड़ना पड़ेगा, x जब जोड़ोगे तो x प्लस 5 में x जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5। नहीं समझे? मैं समझ रहा हूँ, पिता ने पुत्र से कहा कि आपकी जो प्रेजेंट एज है उससे 5 साल ज़्यादा मेरी एज थी जब तुम पैदा हुए थे, यानी जब तुम्हारी एज 0 थी उस समय मेरी एज वर्तमान तुम्हारी प्रेजेंट एज से 5 साल ज़्यादा, यानी कि x प्लस 5 थी। ठीक है, तो आज की डेट में पिता की उम्र क्या होगी,
बच्चा कितना बड़ा हुआ, x साल का, तो पिता भी x साल बड़े होंगे, x इसमें जोड़ना पड़ेगा, x प्लस 5 में x जोड़ोगे तो x x 2x प्लस 5 हुआ। पिता की प्रेजेंट एज 2x प्लस 5 है, क्वेश्चन के हिसाब से 2x प्लस 5 की वैल्यू 39 साल होनी चाहिए, तो 2x इज इक्वल टू 5 इधर जाके माइनस यानी कि 34 साल, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 17 वर्ष। x किसकी वैल्यू है, बच्चे की वर्तमान आयु, ये कितनी हो गई 17 साल। आपसे पूछा है कि बेटे का 5 साल पहले क्या एज होगा, तो 5 साल पहले निकालना है यानी 17 माइनस 5, तो 5 साल पहले उसकी एज रही होगी 12 साल। देखो हमने आपको बोला कि ऐसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं करो, ये जो बोलते हैं वही करते जाओ, आंसर अपने आप मिलेगा, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए आप, जैसे ये क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ फादर टू हिज सन इज 4:1, ठीक है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 196, देन आफ्टर 5 इयर्स व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस। मतलब कि एक फादर और सन, ठीक है, प्रेजेंट में उनका जो एज का रेशियो है वो है 4:1, ठीक है, और उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो 196 है। तो हमने आपको बोला है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा 4:1 रेशियो है, अनुपात है, तो पिता की आयु कितनी होगी, मान लीजिए 4x, और बेटे की कितनी होगी x। अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर दोनों को गुणा कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू 196 होनी चाहिए, 196 x इंटू आप x करोगे, x स्क्वायर होगा, 4 इधर जाके गुणा करेगा, 4 चौको 16, 4 नवा 36, x स्क्वायर 49 है, तो x की वैल्यू 7 हो जाएगी, 7। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब आपसे बोल रहे हैं कि 5 साल के बाद उनकी एज का क्या रेशियो होगा, पहले प्रेजेंट एज निकालते हैं, तो प्रेजेंट एज में पिता की होगी 4x, तो 7 चौको x बराबर 7 हो गया, तो 7 इंटू 4 यानी 7 4 जा 28, और बेटे की एज है 7। आज से 5 साल बाद यानी कि 28 में 5 जोड़ो तो 28 5 33, और 7 में 5 जोड़ो तो 7 5 12, यही हुआ। 5 साल के बाद में उनकी एज हो जाएगी 33 एंड 12, इसका अनुपात निकालना है, तो ये हो गया फादर इज टू सन इज इक्वल टू 33:12। अब इसमें कॉमन वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 3 11 में 3 4 को, तो आंसर हो गया 11:4। कितना आसान है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी एट प्रेजेंट इज 4:3, आफ्टर 6 ईयर्स एज ऑफ ए विल बी 26 ईयर्स, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी। इस समय बी की आयु कितनी है, मतलब प्रेजेंट में पूछा है, तो आप देखो ए और बी की जो एज का रेशियो है वो है 4:3, ठीक। आज से 6 साल बाद, तो 6 साल बाद में यानी वैल्यू होगी 4x और 3x, 6 साल के बाद में यानी कि प्लस 6 ईयर्स ये वैल्यू होगी 4x प्लस 6, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x प्लस 6। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप देखो, तो 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 26 है, तो ये 6 इधर जाके माइनस होगा, तो 4x इज इक्वल टू 20, तो x बराबर 5 हो गया, 4 5 20, x बराबर 5 हो गया। अब अगर 4x 20 है तो यहाँ पर आप देखो 4x की वैल्यू कितनी होगी 20, तो x बराबर 5 हो गया, तो ये प्रेजेंट की बात है, तो प्रेजेंट में बी की एज कितनी है 3:5 यानी कि 15। इस समय की जगह अगर क्वेश्चन में दे देता उस समय बी की आयु क्या होगी, उस समय का मतलब इन फ्यूचर, तो एट दैट टाइम एज ऑफ बी विल बी 3x प्लस 6 यानी कि 15 प्लस 6, उस समय आयु कितनी होती 21 वर्ष। अब जब क्वेश्चन का ऑप्शन देगा तो पहला ऑप्शन देगा 21 साल, दूसरा ऑप्शन देगा 12 साल, तीसरा ऑप्शन आपको देगा 15 साल, चौथा ऑप्शन देगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है, इस टाइम का मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा तो 15 साल, उस टाइम की बात बोलता तो फ्यूचर की बात करता वो होता 21 साल, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझ सकते थे, देख लो एक चीज और आसान तरीका, 4:3 एट प्रेजेंट है, आफ्टर 6 ईयर्स यानी 6 साल के बाद में ये 26 है, तो 26 से पीछे आओ, 6 साल पहले पीछे आओ तो ये हो गया 20, तो यहीं से डायरेक्टली आप देख सकते थे कि अगर 4 यूनिट बराबर है 20 के तो 3 यूनिट कितना हो, 1 यूनिट कितना होगा 5, तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा 15, डायरेक्टली ऐसे भी आप कर सकते थे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि ए इज 5 times द एज ऑफ बी, इन 2 years ए विल बी 3 times, इन 6 years ए विल बी 2 times, ठीक है, आफ्टर 7 years व्हाट विल बी द एज ऑफ ए।
अब आप देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है जो अनुपात है वो कम होता जा रहा है। क्वेश्चन क्या है, ए की आयु बी से 5 गुना है, कब? वर्तमान में। यानी कि बी अगर एक्स है तो ए कितना होगा, 5x होगा। पहला स्टेटमेंट ये, ए बी से 5 गुना बड़ा है, मतलब अगर बी एक्स है तो ए 5x होगा, उसका 5 गुना बड़ा कर दिया। अब क्या बोल रहा है कि 2 वर्ष में, मतलब कि अब से 2 साल बाद, 2 साल बाद इनकी वैल्यू होगी 5x+2 और इनकी वैल्यू होगी x+2। तो बोल रहे हैं 2 साल में ए 3 गुना हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये 5x+2 x+2 का क्या हो जाएगा, 3 गुना, x+2 का 3 गुना ये हो जाएगा। तो x+2 को 3 से आप मल्टीप्लाई कर दो, आंसर ये हो गया। अब यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा 5x+2 इज इक्वल टू 3x+6। क्या मिलेगा, 3x+6, 3x, 3 दूना 6, 3x इधर आएगा तो 5 - 3 बराबर हुआ 2x इज इक्वल टू 6 - 2 गया 4, तो x बराबर 2 मिल गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब क्या बोल रहे हैं कि 6 साल के बाद, यानी कि अब जब इसमें प्लस, अब इसमें प्लस 6 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5x। अब देखो x इज इक्वल टू 2 आ गया, तो आप अपने क्वेश्चन का आंसर यहीं से निकाल सकते हो, आगे जाने की जरूरत नहीं है। x इज इक्वल टू 2 यहां पर रखो तो 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 × 2 यानी कि 10 ईयर्स। ठीक, 7 साल के बाद a की आयु चाहिए तो 10 में से 7 जोड़ दो तो 10 × 7 = 17 साल। तो a की आयु 7 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 17 ईयर्स। तो या तो सिर्फ पहले से इसकी वैल्यू निकल गई, अगर आप दूसरी वैल्यू यूज करते तो क्या बोल रहा है कि 6 साल के बाद 2 गुना यानी कि प्लस 6 करोगे तो ये आंसर क्या होगा, 5x+6 और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x+6। बोल रहे हैं कि 6 साल के बाद में जो इनका रेशियो है वो 2 गुने का है, यानी कि ये वैल्यू का 2 गुना इनके बराबर हो जाएगा। तो 5x+6 इज इक्वल टू 2 × x+6 होगा। ये वैल्यू ओपन करोगे 2x+12 मिलेगा, इधर 5x+6 होगा 2x, इधर आएगा तो 5 - 2, 3x इज इक्वल टू 12 - 6, 6 हुआ, तो फिर से x इज इक्वल टू 2 होगा। फिर से वही बात, x इज इक्वल टू अगर 2 है तो 5x 10 साल होगा और 7 साल के बाद आयु 17 वर्ष हो जाएगी। तो चाहे a की निकालनी हो या फिर b की आप निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस के अगर तीनों पार्ट देख लेते हो, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, तो इन तीनों में मैंने मैक्सिमम कोशिश करी है कि सभी टाइप के क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया जाए। ठीक, मैंने प्रोसेस को डिटेल में आपको समझाया, इत्मीनान से आप समझ गए होंगे। बस एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे, ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन बहुत जल्दी आपसे होने लगेगा। ठीक है, बस इतना ही करना है कि क्वेश्चन में जो बोलेगा बस वही आप फॉलो करते चले जाओ, जैसे बोलता है वैसे ही करते चले जाओ, आंसर आपके पास होगा। ठीक है, YouTube में प्लीज DRS मैथ सर्च करिए, प्रोफाइल पिक्चर मिलती है उसको टच करिए, प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा जहां पर आपको चैप्टर वाइज या फिर एग्जाम वाइज आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, आप उनको ओपन करके वीडियोस को खुद भी देखिए और सभी दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हर आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिले। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए DRS मैथ्स।